अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। हमने क्लास नाइन्थ की कंप्यूटर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और नेपियर बोन एबाकस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसे आगे लेके चलेंगे, क्लास नाइन्थ कंप्यूटर, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्कल लाइन। पास्कल लाइन ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जिसको इन्वेंट करने वाले शख्स का नाम ब्लेस पास्कल था। ब्लेस पास्कल वो शख्स था जिसने इसको इन्वेंट किया, ठीक हो गया। इसी के नाम से इसका नाम रखा गया और इसने इसको इन्वेंट किया इन 1942। इन्वेंट इन 1942, इसने इस डिवाइस को इन्वेंट किया 1942 में। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फ्रेंच के रहने वाला था, ठीक हो गया। फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी, और जब इसने ये कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई तो उस वक्त सिर्फ इसकी उम्र जो थी वो 19 ईयर्स थी, सिर्फ 19 साल का था, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं, ये इसकी इन्वेंशन थी। इन्वेंट इसने 1942 में किया, ब्लेस पास्कल इसका नाम था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, 19 ईयर इसकी ओल्ड थी। ये एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम जैसे आपको लास्ट एबाकस और नेपियर बोन पढ़ाई है, उससे थोड़ी मिलती जुलती है। तो ये भी क्या था, एक रोटेटिंग, अब जो एक बोर्ड था उसके ऊपर उसने रोटेटिंग व्हील्स को लगाया था, और उन रोटेटिंग व्हील्स के ऊपर क्या थे, 0 से 9 तक काउंटिंग थी, और हर व्हील यानी एक कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर था, ठीक हो गया। और यहाँ पर आउटपुट के लिए कुछ पंच थे जिससे ये आउटपुट लेता था, और इसी तरह इसके यहाँ पर रोटेटिंग सिलेंडर्स थे, ठीक हो गया। इन रोटेटिंग सिलेंडर्स के ऊपर 0 से 9 तक क्या थी, काउंटिंग थी, ठीक हो गया, ईच के ऊपर। और जैसे ही जब एक की रोटेशन कंप्लीट होती थी, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट रोटेशन क्या करता था, स्टार्ट। यानी अगर एक रोटेशन इसकी कंप्लीट हो जाती थी तो फिर ये नेक्स्ट जो व्हील था एक स्टेप आगे बढ़ता था। फिर इसी तरह इसकी रोटेशन जब कंप्लीट हो जाती थी तो फिर इसका एक स्टेप बढ़ता था, और जब इसकी रोटेशन भी कंप्लीट हो जाती थी फिर इसका एक स्टेप आगे बढ़ता था। और जो आपको आंसर थे वो इन बॉक्सेस में शो होते थे। देखते हैं आपकी बुक वाले ने इसके बारे में क्या लिखा है। आप बुक वाला लिखता है, ब्लेस पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड पास्कल लाइन इन 1642। ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने इन्वेंट की एक कैलकुलेटिंग मशीन पास्कल लाइन 1942 में। व्हेन ही वाज 19 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 साल था, पास्कल लाइन यूज रोटेटिंग व्हील एज शोन इन फिग। आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा है कि उसने रोटेटिंग व्हील्स की मदद से ये मशीन बनाई थी। ईच व्हील्स हैड 10 पार्ट्स, और हर व्हील के 10 पार्ट थे जो 0 से स्टार्ट होते थे और 9 तक जाते थे। कैलकुलेटिंग वाज परफॉर्म बाय द रोटेशन ऑफ व्हील, और कैलकुलेशन जो आपकी फाइंड की जाती थी वो इन्हीं व्हील्स को रोटेट किया जाता था। जब एक व्हील पूरी रोटेशन कंप्लीट करता था तो नेक्स्ट व्हील, सिर्फ जो नेक्स्ट व्हील था एक स्टेप आगे बढ़ता था, ठीक हो गया। मूव्स बाय 1 डिजिट, इट हैड अ नंबर ऑफ स्मॉल स्लॉट बाय डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स, और इसके ऊपर कुछ स्मॉल स्लॉट्स थे, इनको उसने स्मॉल स्लॉट्स लिखा है, तो जिनकी मदद से वो आपको क्या करता था, रिजल्ट शो करके देता था जो भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते थे। इट कुड परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, और ये जो आपको वर्क करके देती थी वो क्या था, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप फाइंड कर सकते थे इसकी मदद से। किन नंबर्स का, सिर्फ होल नंबर्स का, वो भी सिर्फ किन नंबर का, होल नंबर का, ठीक हो गया। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक पास्कल लाइन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।